स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मल्टीप्लाईकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करा था मैट्रिक्स, ऐसे हम आज क्या करेंगे, मल्टीप्लाईकेशन करेंगे। ये बेटा थोड़ा ध्यान से समझना है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो बेटा, आपके पास क्या है, 2, 5, 8, 10 एक मैट्रिक्स ये वाला है, 5 और 50 एक आपके पास मैट्रिक्स ये वाला है। आपने क्या करना है बेटा, जो आपके पास फर्स्ट रो है 2, 5 इधर से फर्स्ट रो और इधर से हम क्या लेंगे, सारी कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा ये एलिमेंट ए 1, 1 का आंसर आएगा। क्लियर? देखो, 2 को किससे मल्टीप्लाई करा, 5 से, प्लस 5 इनटू में क्या आ गया, 50। इस सारी रो को इस सारी कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 5 × 2 बीच में साइन प्लस का डाल दे जाओगे, 5 × 50। सेकेंड रो को फिर उसी कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 प्लस 10 × 50। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आया 260 और 540। गरा फिर देखो बेटा, 2, 5, 8, 10 440 मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सारी की सारी, 4 × 2 5 × 40 8 × 4 10 × 40। सेकेंड रो ले ली सारी फर्स्ट कॉलम, पहले हम जो सारी रोज हैं उसको सारी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कॉलम एक ही है तो हमने एक ही कॉलम से करा है, तो इसका आंसर भी एक कॉलम में ही आए। अगर हमारे पास दो कॉलम्स होंगे तो हमारा आंसर में भी क्या होगी, 2 कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट देखो, 2, 5, 8, 10 5, 4, 50, 40 अब हमारे पास क्या है, 2 कॉलम्स हैं। तो हमने क्या करना होता है बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सारी की सारी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो, 2 × 5 + 5 × 50 फर्स्ट रो को पूरी कॉलम से कर लिया, ये आंसर आएगा। फिर हमारी सेकंड रो, सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 8 × 5 + 10 × 50 इज इट क्लियर। अगेन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो कर दिया, अब किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से, 4 × 2 + 40 × 5 8 × 4 + 10 × 40 इसको सॉल्व करा, आंसर्स में देखो क्या आया हमारे पास, जितनी कॉलम्स होंगी हमारे पास उतना ही जो सेकंड मैट्रिक्स होगी ना जिससे मल्टीप्लाई करने, अगर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं तो हमारे पास आंसर में भी क्या आएगा, 2 कॉलम्स ही आएंगी। इज इट क्लियर? अब ये देखो, हमारे पास रोज कितनी है, 2, कॉलम्स कितनी है, 2, और इसमें रोज कितनी है, 3। तो आपका जो आंसर क्या आएगा, आपके पास कॉलम्स 2 है ना, तो आपका आंसर भी क्या आया, कॉलम्स 2 में आया। ठीक है बेटा, जितनी कॉलम्स होंगी उसी अकॉर्डिंग ही आपका आंसर आएगा। अगेन है 6, 9, 2, 3 260, 7, 9, 8 6, 9 को हम पूरी कॉलम 1 से करेंगे। देखो 6, 2, 9, 7 फिर 6, 9 को हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम से करेंगे, 6, 9 को थर्ड कॉलम से करेंगे, 2, 3 को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से,
फिर थर्ड से। आफ्टर देन इसका आंसर कितना आया बेटा अपने पास, ये देखो इसमें क्या थी, कॉलम्स कितनी थी हमारे पास, थ्री। ओके इसी टाइप से बेटा आपने सारे क्वेश्चंस कर लेने। कुछ क्वेश्चंस अब आपके ऐसे ऐसे होंगे कि ए बी को मल्टीप्लाई करें और ए बी ए को मल्टीप्लाई, तो उनका आंसर कभी भी आपके पास से नहीं आएगा। आपने उनको क्या करना है, प्रूव करना है। आपको मेन पर्पस क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए कि कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो इसी बेस में आपने ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं।